मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का भगवान दास तोदी कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन लोगों की जो हेडिंग थी वो थी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उम्मीद है आज अपन जो अपनी क्लास जो रहेगी उसमें अपन इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो अपनी जो हेडिंग थी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अब जिन जिन की अपन लोगों ने बात कर ली थी उनकी अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो आप लोगों का फैक्टर्स अफेक्टिंग जो था नंबर वन, वो था आप लोगों की अभिकारक की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर जो नंबर दो पे जो था आप लोगों का, वो था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रकृति, इसकी भी अपन लोगों ने पूरी बात कर ली थी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आप लोगों का टेम्परेचर, जो कि पिछली क्लास में अपन ने हेडिंग डाल करके उसको छोड़ दिया था। तो आज अपन जिस फैक्टर अफेक्टिंग की बात करेंगे, जो प्रभावित करने वाला तीसरा जो कारक, इम्पोर्टेंट कारक जो आप लोगों का रहेगा तीसरा, वो रहेगा आप लोगों का टेम्परेचर। क्या रहेगा? टेम्परेचर। तो ये जो अपन लोग पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया का वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाला कारक जो है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बनता है। तो तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है? टेम्परेचर। और यहाँ टेम्परेचर और अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो जनरली ये कहा जाता है कि सामान्यतया ताप के मान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में क्या देखी जाती है? वृद्धि देखी जाती है। तो आप लोग अगर टेम्परेचर की बात करोगे तो ये लिखा जाता है इसमें कि सामान्यतया ताप के मान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग जो है, वो टेम्परेचर को अगर अपन क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है आप लोगों का? इंक्रीज होता है। तो बेसिक एक जो रिलेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर में, ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर को अगर आप लोग डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा आप लोगों का? डिक्रीज होगा। तो ये एक चीज हुई किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। अब जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ये जो है आप लोगों का टेम्परेचर में, वो एक शब्द है आप लोगों का ताप गुणांक। क्या है आप लोगों का? ताप गुणांक, जिसे आप लोग क्या बोलोगे? टेम्परेचर कोफिशियंट। क्या बोलेंगे अपन लोग ताप गुणांक को? क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोफिशियंट। अब देखिए, आपको ये जानना रहेगा कि टेम्परेचर कोफिशियंट या ताप गुणांक क्या होता है। तो अपन लोगों ने ये कहा कि सामान्यतया ताप के मान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन कितनी वृद्धि होती है अभिक्रिया के वेग में, कि कितना ताप बढ़ाएं तो अभिक्रिया का वेग किस तरीके से बढ़ेगा, इसको जानने के लिए एक कोफिशियंट दिया गया, एक गुणांक दिया गया, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशियंट। समझिएगा पहले इसको, सबसे लास्ट में अपन इसकी क्या बनाएंगे? परिभाषा, ताकि आप लोगों को क्लियरली चीजें समझ में आए। तो देखिएगा, अपन अगर बात करें तो टेम्परेचर कोफिशियंट के लिए यह कहा जाता है कि मान लीजिए आपका कोई भी रिएक्शन है, तो रिएक्शन क्या होता है? कोई भी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा आप लोगों का? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में चेंज होगा आप लोगों का? किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और प्रत्येक अभिक्रिया के लिए, आप लोगों ने इसको पहली क्लास में पढ़ा होगा 11th और 12th में, कि कोई भी एक अभिक्रिया होती है उसके लिए एक क्या होता है? वेग नियतांक, जिसकी अपन अगली क्लास में बात करेंगे। क्या? रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक। तो वेग नियतांक है वो किससे डिपेंड, किससे प्रभावित होता है आप लोगों का? टेम्परेचर से। किसी भी अभिक्रिया का वेग नियतांक जो है वो किससे प्रभावित होता है? ताप से। तो मान लीजिए आप लोगों का कोई एक अभिक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है किसमें आप लोगों का? प्रोडक्ट में। और उस समय का टेम्परेचर मैंने क्या बोल दिया, एक तरीके से स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो उस समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसको अपन लोगों ने किससे डिनोट कर दिया? टी से, है ना। तो ये क्या है आप लोगों का? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? उस अभिक्रिया का वेग नियतांक है। अब अगर आप लोगों से मैं ये कहूं कि ताप के मान में आप लोग वृद्धि
करोड़, टेम्परेचर हुआ 25 से आप लोग 30 करोड़, 30 से 35, 35 से 40। तो अपन लोगों ने ये लिखा कि जनरली इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे ताप के मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे अभिक्रिया के वेग में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इसको एक मानक रूप देने के लिए कि कितनी वृद्धि होती है, इसके लिए अपने सामने एक नया शब्द आया। उस शब्द को अपन लोगों ने क्या बोला, ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशियंट। तो मान लीजिए ये जो आपका टी है, मान लीजिए उस समय का टेम्परेचर कितना है आप लोगों का 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं ये कह दूं कि आप लोगों का इस टेम्परेचर को मैं 25 से क्या कर रहा हूं 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ताप के मान में कितने डिग्री सेंटीग्रेड की मैं वृद्धि कर रहा हूं, ग्रोथ हो रही है। तो वो वृद्धि कितनी हो रही है आप लोगों का 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जनरली अपने को ये पता है कि टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन कितना इंक्रीज होगा, इस चीज को बताने के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो क्या है आप लोगों का, टेम्परेचर कोफिशियंट। तो टेम्परेचर कोफिशियंट ये बोलता है कि यदि किसी अभिक्रिया के ताप के मान में, यदि किसी अभिक्रिया के ताप के मान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी की जाए तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना तक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ताप के इस मान को जिस फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है उस फार्मूले को अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशियंट। तो परिभाषा क्या हुई एक बार फिर आप लोग सुन लीजिए कि किसी अभिक्रिया के ताप के मान में यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए तो अभिक्रिया का वेग है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। और वेग के इस मान को एक गुणांक के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे अपन लोग कौन सा गुणांक बोलते हैं, ताप गुणांक बोलते हैं। तो परिभाषा आप लोग आराम से बना सकते हो। अब इसको अपन देखिए रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे कि ताप गुणांक क्या होता है। तो मैंने कहा मान लीजिए आप लोगों का उस समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर था उस समय रेट कांस्टेंट वेग नियतांक क्या था आप लोगों का, केटी। वेग नियतांक तो वही है केटी, लेकिन अब आप लोग इसमें कितने डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर रहे हो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो अभिक्रिया का वेग जो है वो लगभग 2 से 3 गुना तक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे एक गुणांक के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशियंट कहा जाता है। तो ये जो थर्ड फैक्टर आप लोगों का जो था, टेम्परेचर कोफिशियंट और टेम्परेचर, ये आप लोगों का कंप्लीट हुआ। इस चीज पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाती है। और बच्चे जो कन्फ्यूज होते हैं वो यहाँ होते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड को ऊपर लिखा जाए या नीचे लिखा जाए। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हो तब जाकर के अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेज। क्लियर है? तो ये हुआ आप लोगों का टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए, ये अपना थर्ड फैक्टर हुआ। चौथे फैक्टर की अगर अपन लोग बात करें तो अपन बात कर सकते हैं आप लोगों का दाब क्या है, प्रेशर। चौथा फैक्टर क्या रहेगा, दाब। तो दाब के लिए एक जो खास बात आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि सामान्यतया दाब का प्रभाव गैसीय अभिक्रियाओं पर ही पड़ता है। सामान्यतया जैसे अपन लोगों ने बात की थी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की, तो मैंने एक चीज पहले लिखवाई थी कि अभिक्रिया के वेग के लिए उसकी इकाई जो होती है वो हमेशा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स होती है। लेकिन गैसीय अभिक्रियाओं के लिए सांद्रता को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके रूप में, प्रेशर के रूप में। तो प्रेशर अगर शब्द कहीं पर भी आएगा तो वहां जो अभिक्रिया आप लोग पढ़ोगे या प्रेशर कारक जो है, दाब कारक अथवा प्रेशर फैक्टर जो है, वो सामान्यतया कौन सी अभिक्रियाओं के लिए आप लोग पढ़ोगे, गैसियस रिएक्शंस अथवा गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। और एक बात देखिए, आप लोगों ने आज से पहले एक सिद्धांत का नाम सुना होगा, टक्कर सिद्धांत। कौन सा, टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। क्या है कोलिजन थ्योरी? तो कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जितना जल्दी टकराएंगे और उनका जितना अच्छा प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, उनका अभिविन्यास सही होगा, मतलब जितने ज्यादा टकराएं और ओरिएंटेशन प्रॉपर हो तब जाकर के प्रोडक्ट के बनने की संभावना क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो एक बात देखिए, गैस के मॉलिक्यूल मान लीजिए बहुत दूर दूर हैं
और उसके प्रेशर के मान में आप लोग वृद्धि करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या आएंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। नजदीक आएंगे तो कोलिजन बढ़ेगा, यानी कि टक्कर बढ़ेगा, और टक्कर बढ़ेगा मतलब प्रोडक्ट के बनने की संभावना बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि गैसीय अभिक्रियाओं में सामान्यतया दाब के मान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में भी क्या देखी जाती है, वृद्धि देखी जाती है। और इसका एविडेंस अपन क्या दे सकते हैं, कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। तो आप लोगों को अपनी एग्जाम में जो चीज लिखनी है वो केवल दो बातें लिखनी है। पहली तो जो इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेशर जो है वो केवल और केवल गैसीय अभिक्रियाओं को ही प्रभावित करता है। और नंबर दो जो चीज है वो आप लोग लिख सकते हो कि प्रेशर अगर आप लोग इंक्रीज करते हो तो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए उनका रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीजेज। ये जो नंबर चार जो फैक्टर है आप लोगों का प्रेशर, वो भी क्या हुआ, आप लोगों का क्लियर हुआ। बस आप लोगों को ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं इनको आपको अपने शब्दों में लिखना आना चाहिए। आप लोग आराम से लिख सकते हो कि सामान्यतया दाब का प्रभाव है वो केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर देखा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आप लोग इससे बना सकते हो कि गैसीय अभिक्रियाओं के दाब के मान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में भी क्या देखी जाती है, वृद्धि देखी जाती है। और फिर आप लोग अर्थार्थ क्या लिख सकते हो, एक छोटा सा फार्मूला आप लोग बना सकते हो, एक एक ही शब्द में एक ही ब्रैकेट में आप लोग प्रेशर जो फैक्टर है उसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नंबर पांच, वो क्या है आप लोगों का, आयतन, वॉल्यूम। आयतन तो जनरली आयतन में ही वही बात होगी कि अगर आप लोग किसी भी अभिक्रिया में आयतन में अगर आप लोग बात करो कि आयतन को अगर मैं बढ़ाता हूं, आयतन को अगर मैं बढ़ाता हूं तो गैस मॉलिक्यूल हो या कुछ भी हो, अगर आप लोगों का गैसियस मॉलिक्यूल है और आयतन को मैं बढ़ा रहा हूं तो मॉलिक्यूल कहां जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, आ रही बात समझ में। वहीं अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म को ले रहे हो यानी कि विलायक विलेय इनकी बात कर रहे हो तो वहां पर भी अगर मैं आप लोगों का आयतन बढ़ा रहा हूं, देखिएगा अपन पढ़ते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन बराबर एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, एक लीटर, ये देखिए आप लोगों का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं आयतन के मान में वृद्धि करूंगा, भाई यहां अपन कौन सा फैक्टर पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम, तो अगर मैं बात करूं आयतन के मान में मैं वृद्धि करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। आयतन के मान में अगर मैं वृद्धि करता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम। और कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कम हो रही है तो अपना सबसे पहला जो फैक्टर है वो कौन सा है, अभिकारक की सांद्रता। वहां पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि अभिकारक की सांद्रता कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, कम। तो आयतन अगर बढ़ेगा, आयतन अगर बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और कॉन्सेंट्रेशन कम होगा इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम। तो यहां आप लोग इस चीज को अपन याद इस तरीके से कर सकते हैं कि चाहे गैसीय अभिक्रिया हो चाहे कोई भी अभिक्रिया हो, अगर आप लोग वॉल्यूम को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन क्या होता है, आयतन। तो अगर आप लोग आयतन को बढ़ा रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। और कॉन्सेंट्रेशन और अभिक्रिया के वेग में क्या संबंध होता है, ये अपन लोगों ने पढ़ा फैक्टर वन में। तो इसके बाद में अपना जो है नेक्स्ट आएगा फैक्टर कौन सा, सिक्स। तो अभी तक अपन लोगों ने जो पांच फैक्टर पढ़े हैं उसमें आज तीन पढ़े, ताप, दाब, आयतन। नेक्स्ट फैक्टर नंबर छह, नंबर छह की अगर अपन लोग बात करते हैं तो वो आएगा अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। क्या आएगा आप लोगों का, सरफेस एरिया। देखिए ये चीजें आप लोगों की बेसिक सी चीजें हैं, सामान्य चीजें हैं, इलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास में भी आप लोगों ने केमिस्ट्री को पढ़ा है। तो ये जो सब चीजें हैं आप लोगों की, वो कोई भी रिएक्शन होती है तो उसकी एक जनरल सेंस में अपन बातें पढ़ रहे हैं, अपन स्पेसिफिक बातें नहीं कर रहे कि किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर ली और वहां पे आप लोगों ने इस एक फैक्टर को अप्लाई किया तो उसका आंसर क्या आ रहा है, जस्ट रेसिप्रोकल आ रहा है। अपन क्या बात कर रहे हैं, सामान्यतः जितने भी अभिक्रियाएं हैं उनके लिए एक सामान्य अवधारणा है उसकी बात कर रहे हैं, आई बात समझ में। दूसरी बात की अपने पास में ये जो मैटर है वो एक थ्योरेटिकल मैटर है, तो ये आप लोगों का 11th और 12th में पढ़ा हुआ भी है और अब धीरे धीरे अपने तीन क्लास के बाद में ये अपनी चौथी क्लास है, तो थोड़ा सा आप लोग स्पीड से आप लोग विचलित ना होएं क्योंकि ये सामान्य सी चीजें हैं।
अगर इनमें अपन समय देने लग जाएंगे तो आगे और स्टैंडर्ड की जो चीजें आएंगी उनको पढ़ने में फिर क्या समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो अपन इसलिए इन चीजों को थोड़ा स्पीडली देख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पहले से थोड़ी चीजें आती हैं और मैं जो बता रहा हूं वो भी आप लोगों की धीरे धीरे समझ में बैठ रही है, ठीक है। तो आप लोग इन वीडियो को एक बार नहीं बार बार आप लोग इसको अगर देखोगे तो चीजें आप लोगों की क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट है आप लोगों का प्रस्टीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्या है प्रस्टीय क्षेत्रफल, अब इसका एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछता हूं। पहले अपन इसके घरेलू एक उदाहरण उसकी बात कर लें। जैसे अपन बात करें घरों में, तो घरों में जैसे एक तो आपके सामने गर्म खाना परोसा हुआ है, भाई गर्म खाना बने और बनते ही अपने घर में क्या होता है कि गर्म गर्म खा लो। तो गर्म गर्म की वजह क्या है कि वो खाना अपने को क्या लगता है, टेस्टी लगता है, ठीक है। तो अब आप कुछ जो स्टूडेंट हैं उनका ये मन में उनके एक ऐसी चीज रहती है कि सर कुछ चीजें तो जो ठंडी हैं तब अच्छी लगती हैं। तो भैया वही तो बात कर रहे हैं अपन लोग, अपन सारे रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, एक सामान्य अवधारणा की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग रोज मार्केट की ठंडी ठंडी चीजें घर में खाते हो, रोटी तो आप लोग कभी कभार खाते हो, ऐसा नहीं होता है। रोटी तो अपन क्या है कि हमेशा ही खाते हैं, मार्केट की कुछ चीजें हैं जो ठंडी चीजें अच्छी लगती हैं वो कभी कभार खाते हैं, और अपन कभी कभार वाली बात नहीं कर रहे हैं, अपन हमेशा वाली बात कर रहे हैं, अपन साधारण वाली बात कर रहे हैं, आई मोस्ट ऑफ रिएक्शंस की अपन बात कर रहे हैं, शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो खाने के लिए अपने को बोला जाता है कि गरम गरम है अभी खा लो टेस्टी लगेगा, एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा मान लीजिए मैंने आपको कोई चोंक का टुकड़ा दे दिया, मान लीजिए मैंने आपको ये जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट ये चोंक मैंने दे दी और मैंने कहा कि आप लोग इसको पानी के गिलास में H2O में इसे डाल दीजिए, ठीक है। और डालने के बाद में इसी ऐसा ही चोंक का टुकड़ा और दे दूं दूसरे बच्चे को और बोल दूं इसका पाउडर बना करके इसको पानी में डाल दो, और फिर ये पूछता हूं कि H2O में जल्दी कौन सा घुलेगा, भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पानी नहीं बोल करके H2O थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। तो H2O में एक बार तो आप लोगों ने इस चौंक को ऐसे कैसे डाला, और एक बार इसी चौंक का मतलब ऐसे ही चौंक का इतनी बराबर की चौंक का पाउडर बना करके आप लोगों ने पानी में डाल दिया, H2O में डाल दिया। तो H2O के साथ में रिएक्शन होने का मतलब क्या है, पानी के साथ में जल्दी कौन घुलेगा। तो आप लोग तुरंत बोलोगे सर ये क्या पूछ रहे हो, पाउडर है वो इजीली क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, जबकि इसको थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। यही तो बता रहा हूं आपने किया क्या, एक ये था और इसका पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने का मतलब क्या कर दिया आप लोगों ने, उसका एरिया बढ़ा दिया। कौन सा एरिया बढ़ा दिया, सरफेस एरिया। तो जल्दी कौन सा घुला, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो। और घुलने का मतलब अगर केमिस्ट्री में अपन कहें तो क्या होता है, अभिक्रिया का होना। तो बात ही क्लियर हो गई ना भाई, गर्म भोजन में क्या होता है, गर्म भोजन में उसमें क्या टेम्परेचर ज्यादा रहता है, उसमें हीट ज्यादा होती है, तो वो जल्दी क्या होता है अपनी जीभ पे जो स्वाद कलिकाएं होती हैं उन पे वो जल्दी फैलता है, और जल्दी फैलने का मतलब क्या है, उसका सरफेस एरिया ठंडे भोजन की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तभी गर्म गर्म चपाती अपने को अच्छी लगती है, ठंडी चपाती उतनी अच्छी नहीं लगती। सीधा सा रीजन है क्या, सरफेस एरिया। तो केवल और केवल एक ही शब्द में अपन इसको क्या खत्म कर सकते हैं कि सरफेस एरिया अगर आप लोगों का क्या होता है, इंक्रीज होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप लोगों का बढ़ता है तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है आप लोगों का, इंक्रीज होता है। और एग्जाम्पल के लिए कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हो गर्म चपाती है, पाउडर का घुलना है, ये सारी चीजें। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फैक्टर है आप लोगों का फैक्टर नंबर 6, वो केवल और केवल एक ही शब्द में आप लोगों का बिल्कुल क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। और एग्जाम में अगर 4.5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपको एक शब्द की बजाय 3 लाइनें लिखनी पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सीधा सा लिखोगे। सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक अणु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर अभिक्रिया के वेग में भी क्या देखी जाती है, वृद्धि देखी जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल समानुपाती क्या होगा, अभिक्रिया का वेग होगा। एग्जाम्पल में आप लोग क्या ले सकते हो, H2O में पाउडर का घुलना, पाउडर का ठोस की तुलना में जल्दी घुलना, ये क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देना चाहो तो गर्म भोजन का स्वादिष्ट होना, गर्म भोजन का स्वादिष्ट होना, तो ये एग्जाम्पल हुए आप लोगों के, क्लियर है। नेक्स्ट फैक्टर आज अपन कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा स्पीडली लेते हुए इन फैक्टर्स को अपन क्या कर लें, खत्म कर लें। तो नेक्स्ट फैक्टर नंबर 7 जो है वो क्या है आप लोगों का, pH। नेक्स्ट फैक्टर क्या आ जाएगा, pH। तो देखिए pH की अगर अपन लोग बात करें
तो देखिए इसको आप लोगों को जैसे घरेलू एग्जाम्पल अपन लेते हैं या जो अपनी आम जिंदगी में काम में आते हैं तो अपने को वो चीजें क्या है जल्दी समझ में आती हैं। जैसे अपन लोग बात करें अपना जो भोजन होता है उसमें प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, वसा भी होता है और विटामिन वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब अपन भोजन के पाचन की अगर अपन बात करें तो उसके जैसे प्रोटीन है तो उसका पाचन कहीं और जगह होता है, कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कहीं और जगह होता है, वसा है उसका पाचन कहीं और जगह होता है, यानी कि भोजन के जो अलग अलग कंटेंट्स होते हैं अवयव होते हैं उन सब का पाचन ऐसा नहीं है कि छोटी आंत में ही सब का पाचन हो जाए, अग्नाशय में सब का पाचन हो जाए, आमाशय में सब का पाचन हो जाए। सबका पाचन क्या होता है अलग अलग, कुछ चीज का अपने यहां से मुंह से स्टार्ट होता है, मुंह में जो लार होती है वहां से पाचन होना उसका स्टार्ट होता है और अंततः वो आपकी जो छोटी बड़ी आंत फिर लास्ट में जाकर के वो चीजें क्या होती हैं क्लियर होती हैं। तो एक चीज तो अपने बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि सर हाँ एक बात तो समझ में आ रही है कि सब चीजों का पाचन एक जगह नहीं होता, पाचन सबका होता है लेकिन अलग अलग जगह होता है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है आपका क्या पीएच, क्योंकि शरीर में जितने भी अपने अंग होते हैं उन सब का पीएच समान नहीं होता है, उनके जो अलग अलग जो अंग है उसका पीएच भी क्या होता है अलग अलग। और कोई भी अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब क्या है, भोजन जो अपना है वो अपने लिए क्या है अभिकारक और वो पच करके किस में कन्वर्ट होगा आप लोगों का प्रोडक्ट में। तो कोई भी अभिक्रिया जो है अगर वो पीएच के द्वारा अगर वो आप लोगों की कंट्रोल्ड होती है, अगर पीएच के द्वारा वो नियंत्रित होती है तो उसमें एक फिक्स पीएच, मान लीजिए पीएच 5 पर ही वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो पाएगा प्रोडक्ट का। अब एग्जांपल के लिए ये मान लीजिए कि जैसे अपना आमाशय है, आमाशय का जो अपन बात करें कि पीएच 3.5 है, क्या है आपका 3.5 है, यानी कि इसका मीडियम क्या हो गया आप लोगों का अम्लीय माध्यम। तो वो जो अपने पास में जो है आमाशय में भोजन जाएगा और वहां पे पीएच 3.5 से लेकर के 5 के बीच है तभी वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो पाएगा प्रोडक्ट में, और अंग में पीएच है वो क्या रहेगी अलग रहेगी। तो प्रत्येक जो अभिकारक है वो हर एक पीएच पर प्रोडक्ट नहीं बना सकता, वो केवल और केवल एक निश्चित अंतराल पे जो पीएच होती है उसमें ही वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है आप लोगों का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक अणु एक निश्चित पीएच पर ही क्या करता है उत्पाद में परिवर्तित होता है, उससे आगे और पीछे नहीं। तो ये आप लोगों का किसके द्वारा प्रभावित हुआ, पीएच के द्वारा। और यहां पे एक अपन साधारण सी परिभाषा पढ़ते हैं कि पीएच के जिस मान पर अभिक्रिया का वेग अधिकतम होता है उसे कौन सा पीएच कहा जाता है, क्रांतिक पीएच, ऑप्टिमम पीएच, क्रांतिक पीएच। आगे बात समझ में, साधारण सी बातें हैं, बेसिक बातें हैं। तो अपना जो फैक्टर हुआ 7 वो क्या हो गया पीएच, और लास्ट फैक्टर की अपन चलते चलते एक मिनट में खत्म कर देते हैं, प्रकाश की तीव्रता। क्या है प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा कि प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करने पर सामान्यतया अभिक्रिया के वेग में क्या देखी जाती है, वृद्धि देखी जाती है। बोले सर इसका एग्जाम्पल तो आपने बताया नहीं, और एग्जाम्पल भी घरेलू होना चाहिए। तो घरेलू एग्जाम्पल क्या होता है, एक दो बार बारिश होने के बाद में, अभी फसलों का मौसम है तो अपन ये बोलते हैं कि बारिश अगर हो जाए और अच्छी सी धूप निकल जाए तो पौधा जो है अपनी फसल जो है उसकी ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और साइंस की भाषा में ग्रोथ को अपन लोग क्या कह देंगे, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अरे तो आप लोग धूप बढ़ा रहे हो मतलब किसकी तीव्रता बढ़ा रहे हो, प्रकाश की तीव्रता। और कब बढ़ा रहे हो कि पानी अगर अवेलेबल हो गया है, बारिश अगर आ गई है तो अब धूप निकल जाए तो पौधे की क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए। और ग्रोथ का मतलब क्या हो जाए, फोटोसिंथेसिस। और केमिस्ट्री में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अभिक्रिया का संपन्न होना। और वो जल्दी कब होगी, ज्यादा ग्रोथ कब होगी, जब धूप निकलेगी, इसका मतलब प्रकाश की तीव्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। दीज ऑल आर द फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये अपना कंप्लीट एक क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से तैयार हो गया, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। अगली क्लास में थोड़ा सा सामान्य बात फिर करेंगे, थोड़ा स्पीडली था तो आप लोग इन चीजों को बार बार देखें समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।